नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्य महिला हितकारिणी परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण पांडे। आइए जानते हैं कि आज शिव की नगरी काशी में जिस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इनका धार्मिक महत्व क्या है। ये मंदिर हमारे प्रांगण में है। सावन महीने में मैं पूरे महीने यहाँ अभिषेक किया करता था, वहीं से मुझे जागरण उनकी मूर्ति प्राप्त हुआ कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि एक इसका ऐतिहासिक महत्व है। पद्म पुराण में इसका पूरा वर्णन है। पद्म पुराण का अध्ययन करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि एक महात्मा यहाँ आकर के काशी में ये तपस्या कर रहे थे कि मुझे काशी में रहना है, और उनके सामने एक ब्रह्म प्रेत उपस्थित हुआ और कहा मैं बहुत विद्या अर्जन किया, काफ़ी हमने धन इकट्ठा किया, लेकिन मैं जो है मुझे ब्रह्म हत्या लगी हुई है, मेरा उद्धार करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ऋषि ने सामने जो कुंड है उसमें स्नान करने के लिए कहा और उसके बाद उसका उद्धार हुआ, लेकिन वह ऋषि स्वयं यहाँ पर ज्योति रूप में उपस्थित आ गए और आज वही शिवलिंग है। तो इतिहास पढ़ने के बाद, यह चूँकि धार्मिक संस्था सनातन धर्म के महात्मा ज्ञानानंद जी द्वारा संस्थापित है और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हम लोगों ने विचार किया कि इस प्रांगण में मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, जिसके जीर्णोद्धार में डॉक्टर अनुराग दीक्षित, शशिकांत दीक्षित, अम्बरीश अग्रवाल सब लोग काशी के लोग लगे और इस मंदिर का जीर्णोद्धार होकर के आज इस रूप में है। तो हमारे आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का शताब्दी वर्ष चूँकि मना रहे हैं हम लोग, तो शताब्दी वर्ष में बच्चों में अच्छा संस्कार जाए तो आर्य महिला बाल विभाग द्वारा यहाँ पर आज रुद्राभिषेक और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे संस्था के सभी शिक्षण संस्थाओं की प्राचार्या, शिक्षण कर्मचारी, इस समय जो पाँच आज से शताब्दी वर्ष पूर्व 20-25 बच्चों से शुरू हुआ था, आज 12,000 छात्राएँ यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 5-5 शिक्षण संस्थाएँ महापरिषद के अधीन संचालित हैं। आर महिला बाल विभाग, आर महिला इंटरमीडिएट कॉलेज, आर महिला नागरमन मुरारका मॉडल स्कूल, आर महिला पीजी कॉलेज और विद्या देवी उच्च शिक्षण संस्थान। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, इस मंदिर के जीर्णोद्धार में कुल कितना खर्च आया? इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अब तक करीब 1,20,00,000 रुपये के आसपास खर्च आया,
जो कि तमाम संस्थाओं ने, तमाम लोगों ने अपना आर्थिक सहयोग इसमें दिया बनाने में। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।